हाय एवरीवन, हेलोलकेंस हेलोरिंस में एनसीआर की प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग, और लास्ट लेक्चर तक इन टेक्स्ट प्रॉब्लम जितने भी थे सबको किया था हमने। आज के इस लेक्चर से जो है एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है उसे करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें भी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 10.1। नेम द फॉलोइंग हेलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम, मैंने सबका आईपीएससी नाम लिखना है, एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल एलाइल बेंजाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विनाइल और एराइल हेलाइड्स। क्लासीफाई करना है कि कौन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, फिर विनाइल है, एराइल है। नाम तो लिखना ही है और बताना है कि इनमें से किस कैटेगरी का हेलाइड है वह दिया हुआ कंपाउंड। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है इसका CH3 का होल 2, CH देन CH Cl CH3। सेकेंड नंबर में है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl। और एक क्वेश्चन और भी लिख लें साथ में, CH3 CH2 CH3 का होल 2 CH2I ऐसा। ये तीन ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, तीन हम लोग लिखें। सबसे पहले देखो, एक चीज़ गौर करो कि ये जो तीनों क्वेश्चन हैं या इसके अतिरिक्त भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वे कंडेंस्ड फार्मूला में हैं, और कंडेंस्ड फार्मूला में है तो इस केस में ना तो तुम कैटेगराइज कर पाओगे कि किस तरह का हेलाइड है, ना तो आईपीएससी नाम लिख पाओगे। इसलिए सबसे पहला काम यहाँ से होता है कि इनको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करो, बदलो। कैसे बदलोगे तो बताए थे नॉमिनक्लेचर के समय ही कि ब्रैकेट में जो होता है ना वो सबको जोड़ा जाता है, जो ब्रैकेट के बाहर कार्बन होता है उसमें। तो ब्रैकेट के बाहर CH है और ये CH3 का होल 2 है, मतलब ये दो CH3 हम इसमें जोड़ने वाले हैं ऐसा। फिर अगेन यहाँ CH है, इसमें Cl है, देन CH3 है। तो सबसे पहला ये है किस टाइप का एलाइल बेंजाइल तो कुछ हो नहीं सकता है, डबल बॉन्ड वगैरह कहीं कुछ है ही नहीं बेंजीन वगैरह, तो ऑब्वियसली अल्काइल है। और अल्काइल में भी देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके अगल बगल दो कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे कि यह 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड है। ठीक, अब IPAC नाम लिखो तो IPAC नाम के इधर से नंबरिंग, जिधर से हेलोजन नज़दीक पड़ेगा ये तुम्हारा ब्रांच होने वाला है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन का क्या लिख दोगे, ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो इसकी बात कर लें हम लोग, CH3 पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला, CH2 CH ब्रैकेट में CH3 है तो इसी को जोड़ना है, ऊपर नीचे कहीं जोड़ दो, अगेन CH फिर इसमें C2H5 है तो ऊपर नीचे फिर से C2H5 कहीं जोड़ दो और ये हो गया Cl। ये भी अल्काइल ही है, डिग्री क्या होगा तो क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, देखो 2 डिग्री कार्बन है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो यह भी हुआ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। IPAC नाम नंबरिंग किधर से करने वाले हो, जिधर से हेलोजन नज़दीक पड़ेगा, इधर 2 कार्बन है 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, इधर से नज़दीक होगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन का हेक्सेन। अगेन यहाँ देख लो CH3 CH2 कार्बन CH3 का होल 2 है, मैंने 2 CH3 ऊपर नीचे जोड़ो, फिर यहाँ भी CH2 और आयोडीन। अब आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बगल में एक कार्बन है, 1 डिग्री हो जाएगा, तो ये हुआ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
1 डिग्री अल्काइल हेलाइड। IUPAC नाम यदि लिखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा ना, 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3, ऐसे करो 1 2 3 4, ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे। तो 1 आयोडो, 2 2 डाइमिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन। आसा अब ऐसे ही आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें। मेन यहाँ है उस कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल में बदलना, वो यदि आप सही से कर लिए तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं यार, वही गड़बड़ हो गया तो फिर आगे गड़बड़ ही होना है। हर एक चैप्टर का ऑर्गेनिक में शुरुआत ऐसा ही होना है नॉमिनक्लेचर से, इसलिए जब नॉमिनक्लेचर बताया जा रहा था ना तो वहाँ कहे थे कि पूरे ऑर्गेनिक का अल्फ़ाबेट है ये, इससे जब तक नहीं करोगे आप ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। नंबर 4 CH3 का होल 3 CCH2 CHBr C6H5। नंबर 5 में CH3 CH3 CHBr CH3 ऐसा। एक और भी लिख लेंगे अभी साथ में हम लोग इसको, एक और लिख लें 5 के बाद 6 नंबर में CH3 C2H5 का होल 2 CH2Br। स्ट्रक्चर फार्मूला सबका लिखा जाए पहले। CH3 का होल 3C, तो यह कार्बन हुआ मेन ब्रैकेट के बाहर वाला, और इस कार्बन में 3 CH3 जोड़ना है तुम्हें, CH3 CH3 CH3, अगेन आगे CH2 है, फिर CH, इसमें Br, C6H5, मतलब यहाँ एरोमेटिक रिंग बनाना है। ऐसा यही हो गया इसका स्ट्रक्चर। किस तरह का हेलाइड है, देखो एरोमेटिक सिस्टम आ गया तो अब अल्काइल तो नहीं ही होगा। एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट रहता तो एराइल हेलाइड कहते हैं हम, बल्कि एरोमेटिक सिस्टम से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ा है। तो क्या बोले, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यह बेंजाइल हेलाइड होगा। और बेंजाइल हेलाइड में भी यदि देखोगे तो एक इधर 2 डिग्री कह सकते हो, 2 डिग्री बेंजाइल हेलाइड। तो बेंजाइल हेलाइड काफ़ी है। IUPAC नाम, तो यह फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम में डायरेक्ट जुड़ा नहीं है, तो इसे सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, नंबरिंग यहीं से होगा। तो नाम इसका 1 पे ब्रोमो, 3 3 डाइमिथाइल, अगेन 1 पे फिनाइल, बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम फिनाइल होता है, और 4 कार्बन का मेन चेन है तो ब्यूटेन। ऐसा नेक्स्ट CH3 CH, इस भी ऊपर नीचे कहीं CH3 लगा दो, ब्रैकेट में है, अगेन CH, फिर Br और यह CH3। देखो ऐसा ही क्वेश्चन तो शायद हम लोग किए थे ना, क्लोरीन वाला किए थे, क्वेश्चन नंबर कोई तो था शायद 1 नंबर इसी के जैसा लगभग था, यही क्वेश्चन था, बस ब्रोमीन के जगह क्लोरीन था। 2 डिग्री या ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है, मतलब यह 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल,
और चार कार्बन का हो जाना है ब्यूटेन, 2-bromo-3-methyl-butane। इसमें आ जाओ यार, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। CH3C ऊपर नीचे दो C2H5 जोड़ दो, ठीक है, फिर यहाँ CH2 और यहाँ Br। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार पूछा है, आई थिंक 2018 या 19 के आसपास जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अब बड़ा ही विवादास्पद रहा इसका आंसर उस समय, कई लोगों ने कई तरह के आंसर बता दिए और उन आंसर को हम लिखेंगे हर एक तरह के आंसर को। सबसे पहला बात, नॉमिनक्लेचर का जो रूल है, पहला रूल कहता है कि वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। अब लॉन्गेस्ट चेन गिनोगे तो यहाँ से 1, 2, 3 कार्बन, 1, 2 और 2 कार्बन है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, या फिर ऐसे लोगे तो 2 कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, 5, नहीं ऐसे 5 कार्बन आ गया, 3 कार्बन आ रहा है, ऐसे 4 आ रहा है और इस तरह से 5 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 5 है, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का हुआ इसमें ना। अब यदि लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का हुआ तो फिर नंबरिंग यहीं से हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, इसे भी सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, और नाम इसका हो जाएगा 3, या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है ब्रैकेट में लिखना, ब्रोमो मिथाइल, उसके बाद 3-methyl, और 5 कार्बन का मेन चेन है तो पेंटेन, ठीक है। एक दूसरा आंसर इसका जो लोगों ने कहा, CH2H5 है ना, इसको चलो ऐसा ही रहने देते हैं, CH3C C2H5 C2H5 CH2 Br। एक आंसर इसका ऐसे हम कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, इसको क्यों माने, क्योंकि देखो इसे यदि हम मेन चेन कंसिडर कर रहे थे तो जो फंक्शनल ग्रुप था हेलोजन वो मेन चेन में कहीं आ नहीं रहा था, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे आप मेन चेन मानोगे तो फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए चलो, ठीक है, ऐसे लेकर के चलोगे तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1-bromo-2-ethyl-2-methyl और ये 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। अब सवाल आता है कि विच वन इज करेक्ट। अब बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो आंसर ये दे दिया है, ठीक है, नॉमिनक्लेचर का रूल कहता है कि एट फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो उस हिसाब से तो सही यही होगा, और ख़ास करके ये सही अब और हो जाएगा जब हम जानते हैं कि ये जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे हेलोजन है, ईथर है, नाइट्रो है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑलवेज प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन ऑलवेज प्रीफिक्स, ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होते हैं, ये कभी सफिक्स में नहीं आते हैं, कभी हेलोजन का नाम लास्ट में नहीं आएगा, कभी ईथर का नाम लास्ट में नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जो ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट ही कंसिडर किया जाता है, वे मेन चेन में इंक्लूड हो या ना हो डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, मेन चेन में आ जा रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है फिर भी टेंशन की बात नहीं है। तो कहने का मतलब कि ब्रोमीन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसे हम सब्स्टिट्यूएंट की जैसा ही ट्रीट करेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप में आया या ना आया, डायरेक्ट ब्रोमीन इसमें जुड़ा हुआ हो या ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। सो द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज दिस वन, यह ज़्यादा सही आंसर है, बुक में ये भी दिया है, नॉट वेरी एक्यूरेट, चलोगे आप रूल्स के हिसाब से तो फिर ऊपर वाला आंसर ही ज़्यादा सही है, इसका याद रखोगे। अब ऐसा नहीं कि नीचे जो लोग लिख दिया था गलत कर दिया लोगों ने, सही भी किया, लेकिन हाँ हम सही से चलेंगे यदि तो 100% एक्यूरेट जो है वह ऊपर वाला नाम ही है, याद रखना, किसी में भी हेलोजन रहता, कोई नाइट्रो ग्रुप होता है या फिर ईथर होता तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जो ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट के जैसा दिखाते हैं, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का नाम हमेशा लास्ट में आता है सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप बोले हम 3 ईथर हेलोजन और नाइट्रो वाले, ये कभी भी लास्ट में नहीं लिखाते हैं, नाइट्रो मीथेन लिखते हो, क्लोरो मीथेन लिखते हो, मिथॉक्सी मीथेन लिखते हो, पहले आ जाता है सब, तो फिर उसे वैसे ही ट्रीट करना है सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ही।
नेक्स्ट सिक्स तक करा हमने। क्वेश्चन नंबर सेवन, CH3 CCl C2H5 CH2 CH3, एट नंबर CH3 CH double bond C Cl CH2 CH CH3 का होल टू, और लगे हाथ एक और भी लिख लें, नाइन नंबर CH3 CH double bond CH CBr CH3 का होल टू। ऐसा सबका सब कंडेंस्ड फार्मूला में ही है बताए, तो मैक्सिमम लोग तो फंस जाओगे यहीं कि कंडेंस्ड को स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो आगे तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। ब्रैकेट के बाहर ये कार्बन है, उसके पहले CH3 है, तो CH3 तो हम लिखेंगे, देन कार्बन, ये दोनों ब्रैकेट में मतलब दोनों को इसी से जोड़ना है, एक जगह क्लोरीन जोड़ दो, एक जगह C2H5 जोड़ दो, एंड अगेन इधर से चलो CH2 CH3। किस तरह का हैलाइड है पहले ये तो देख लो, एक हाँ सॉरी हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसके अगल बगल तीन कार्बन है, एक दो, अभी दो कार्बन मत गिन लेना, चार, ये तो CH2 CH3 हुआ ना, एक दो तीन कार्बन है, 3 डिग्री है, तो दिस वन इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। IPAC नाम के लिए ऐसे चलोगे तो 1 2 3 4, यहाँ से चलोगे 2 3 4 5, ऐसे ही मेंशन आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा इसका 3 क्लोरो 3 मिथाइल 5 कार्बन का पेंटेन। अब इसकी बात कर लें, CH3 CH double bond C Cl CH2 CH CH3 का होल टू। ये किस तरह का है बताओ, हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, मतलब कि यह डबल बॉन्ड का कार्बन से, तो हैलोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड का कार्बन से जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड के कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं। अब डायरेक्ट विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो विनाइल हैलाइड, और विनाइल हैलाइड का डिग्री नहीं होता है, डबल बॉन्ड का कार्बन का डिग्री हम लोग थोड़ी देते हैं, डिग्री सिंगल बॉन्ड के कार्बन का देते हैं, तो ये विनाइल हैलाइड हो गया। नाम लिखो, अब नाम लिखोगे तो इस बार प्रीफर करना हमें डबल बॉन्ड को, हम जानते हैं कि अल्कीन हैलोजन वगैरह में अल्कीन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबर होएगा 1 2 3 4 5 6, सो 3 क्लोरो 5 मिथाइल 6 कार्बन का हेक्स 2 इन। इसे देखो CH3 CH double bond CH C, इसमें एक है Br और दो है CH3। ऐसा इस बार हैलोजन देखोगे तो डबल बॉन्ड का कार्बन से नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन, कौन सा कार्बन कहते हैं एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक में भी इस कार्बन का डिग्री देखोगे 3 है, 1 2 3, सो दिस वन इज 3 डिग्री एलाइल हैलाइड, 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। नाम लिखोगे डबल बॉन्ड को प्रीफर करना, ये जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग, हैलोजन को नहीं देखोगे डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 5 कार्बन का पेंच 2 इन। मतलब यदि कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह ना हो तो नंबरिंग के लिए हम प्रायोरिटी देंगे हैलोजन को, हैलोजन किधर से नज़दीक है, ब्रांच नहीं देखते उस समय, और जब कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर वहाँ हैलोजन की भी प्रायोरिटी ख़त्म हो जाती है, फिर हम देखेंगे कि वह डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक है ना, नंबरिंग फिर हम उधर से करने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये तीनों के हो गए, एक निकला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक निकला विनाइल हैलाइड, और दूसरा 3 डिग्री एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड का हम कोई डिग्री नहीं देते हैं।
ठीक है। अब अंतिम के तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसमें। टेन नंबर, पी सी एल सी सिक्स एच फोर सी एच टू सी एच और सी एच थ्री का होल टू। इलेवन नंबर, एम सी एल सी एच टू सी सिक्स एच फोर सी एच टू सी सी एच थ्री का होल थ्री। और ट्वेल्व नंबर, ओ बी आर सी सिक्स एच फोर सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। ये तीनों जो है अभी तक में तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड यही लग रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, नॉमिनेचर के दरमियान बताए थे कि जब भी छः कार्बन एक साथ हो और हाइड्रोजन छः से कम हो, कार्बन छः एक साथ हो और हाइड्रोजन छः से कम हो, तो उसका मतलब समझोगे कि वहाँ बेंजीन रिंग बनाना है। बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक। इसके पहले लिखा हुआ है पी सी एल, स्मॉल पी है जो पारा को बतलाता है कि क्लोरीन पारा पोजीशन पे है, और पारा पोजीशन हम कहते हैं किसको है, वन फोर को, वन फोर को, मतलब इधर और ये जो क्लोरीन है ये दोनों एक दूसरे से वन फोर पोजीशन पे होगा। तो कहीं से भी कर दो, मान के चलो इधर से हम करके चले तो इसका फोर कौन हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, या वन टू थ्री फोर, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हो, तो वन टू थ्री फोर यहाँ आ जाएगा, वन फोर होना चाहिए बस। तो यहाँ मान के चलो क्लोरीन लगा दे और यहाँ से भी शुरू करें सी एच टू सी एच और इसमें दो सी एच थ्री, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा वन टू थ्री फोर, हेलोजन जहाँ से वहाँ से। सबसे पहला किसमें हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एरोमेटिक सिस्टम से, सो दिस वन इज एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड का कोई डिग्री नहीं होता है, एराइल हैलाइड केवल लिखेंगे। आईपीएससी नाम के लिए हेलोजन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग में है, तो बेंजीन को मेन मानोगे पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और इसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच मान करके चलोगे तो वन टू थ्री, तो ये जाएगा वन पे क्लोरो, उसके बाद फोर, और इसके अंदर हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपाइल। इससे आप डायरेक्ट आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हो, टू मिथाइल प्रोपाइल को डायरेक्ट आइसोब्यूटाइल, और यहाँ बेंजीन बच रहा है तो बेंजीन ऐसा नाम लिखना है। इसे देख लो आप, अगेन यहाँ देखो सी सिक्स एच फोर, अभी बताए छः कार्बन हाइड्रोजन छः से कम, बेंजीन बनाना है तो बनाओ बेंजीन। इस बार लिखा हुआ मेटा पे सी एल के साथ सी एच टू, तो मेटा में वन और थ्री कहते हैं, तो वन यदि यहाँ मान लो तो टू थ्री इधर, तो यहाँ तुम लगा दो सी एच टू सी एल, और एक तरफ इधर है सी एच टू सी और इसमें तीन सी एच थ्री, ऐसे है। पहले बताओ किस तरह का हेलाइड, तो हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं है बल्कि बेंजीन से जो कार्बन है मतलब बेंजाइलिक कार्बन उससे जुड़ा हुआ है, सो दिस वन इज बेंजाइल हैलाइड, और बेंजाइल हैलाइड का डिग्री हम लोग देते हैं, इसके बगल में एक कार्बन है तो वन डिग्री हो जाएगा, वन डिग्री बेंजाइल हैलाइड। अब जब नाम लिखोगे ना तो यहाँ भी इस सिस्टम को तुम्हें मानना होगा, बेंजीन वाले को मेन चेन। अब यदि तुम इसे मेन मानोगे तो फिर ये पूरा ब्रांच लेना होगा, और इसे मेन मानोगे तो ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम यदि लिखते हो तो यहाँ से करके चलो नंबरिंग वन टू थ्री, ये पूरा ब्रांच हो जाएगा, ये पूरा को कॉम्प्लेक्स ब्रांच मानोगे तो वन टू थ्री, तो नाम हो जाएगा इसका वन क्लोरोमिथाइल, वन क्लोरोमिथाइल, इसके बाद थ्री
इसके अंदर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन ऐसा 1 क्लोरोमिथाइल 3,2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम नियोपेंटाइल भी लिख सकते हो ऐसा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, अगेन C6H4 है, मतलब कि फिर से बेंजीन बनाना है। ऑर्थो पे ब्रोमिन है तो ऑर्थो हम लोग 1,2 को कहते हैं ना, इधर उधर जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। अब एक जगह इधर है CH, इसमें CH3, फिर CH2, CH3 और यहाँ ब्रोमिन, ऐसा यहीं से नंबरिंग होगा 1,2। अब इसको फिर से ब्रांच मानोगे तो मेन चेन हो गया 1,2,3। तो सबसे पहले 1 पे ब्रोमो 2 और इसके अंदर फिर 1 पे मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन ऐसा, यही सही है। इस कंपाउंड का जो है बीच वाला 11 नंबर है, इस कंपाउंड का मे बी आंसर कहीं ऐसा मिल जाए CH2Cl CH2 CCH3 CH3 मे बी इसको मेन चेन मान ले 1,2,3, ये पूरा को सब्स्टिट्यूएंट मान ले 1,2,3 और इसका नाम लिख दे ऐसा, ये पूरा ब्रांच 1 पे है तो सबसे पहले 1, इसके अंदर 3 क्लोरोमिथाइल, लेकिन यह लेस एक्यूरेट है, होगा ही नहीं, क्लोरोमिथाइल देन फिनाइल, उसके बाद 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ऐसे ये नहीं सही है, दिस वन इज मोस्ट एक्यूरेट। क्यों? एक तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो ब्रैकेट में रखोगे, अब इसमें से भी क्लोरोमिथाइल कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कॉम्प्लेक्स कैसे आ जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, वही वाला नाम सही है। तो इस तरह से यह जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था 10.1, जिसमें से 12 क्वेश्चन थे, सबका क्लासिफिकेशन करना था पहले कि वे किस तरह का हेलाइड है, और उसके बाद सबका UPSC नाम लिखना था, वो हमने किया। प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों को अच्छे से, एग्जामिनेशन में जो है ना नॉमिनक्लेचर बेसिकली इसी चैप्टर से पूछता है बोर्ड एग्जाम में, हेलोल्केन हेलोरिन से, और डायरेक्ट बुक का ही उठा करके कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो सब कुछ बता ही दिया जा रहा है, बस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर से आगे के जो क्वेश्चन है उससे हम डील करेंगे। धन्यवाद।